गाइस मैं हूँ हार्दिक पांचाल और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई नई एक्टिवा 6G पे ना काफ़ी ग्राफिक चेंज करे गए हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है भाई दूर से। और जो एक्टिवा 6G देख रहे हो ना आप, ये है तो एक्टिवा 6G बट इसके ऊपर ना थोड़ी ग्राफिक वगैरह चेंज किए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छी लुक आ रही है इसके ऊपर। तो गाइस एक बार मैं आपको इसका वॉक अराउंड दिखाता हूँ। और इसके अंदर ना दो मॉडल्स आते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक आता है डीलक्स। ये वाला है जो आपका डीलक्स मॉडल है, स्टैंडर्ड वाला बेसिक मॉडल होता है, डीलक्स वाला थोड़ा मतलब टॉप मॉडल मान लो आप। और इसके अंदर आपको LED हेडलैम्प मिलते हैं, जो आपका स्टैंडर्ड मॉडल होता है उसके अंदर आपको हैलोजन बल्ब मिलते हैं। और इंडिकेटर तो वैसे ही ओल्ड वाले हैं, बट इसके अंदर जो सबसे बड़ा चेंज किया है ना वो करा है इसके मिरर्स में, जो कि भाई क्रोम में दे दिए, फुल टू फुल क्रोम में। और इस पर रिफ्लेक्टर भी दे दिया, मतलब जो कि लाइट पड़ती है ना सामने से चमकता है। पहले क्या होता था, ब्लैक कलर के मिरर आते उनमें पता नहीं चलता था, तो इसमें चेंज कर दिया है। और ये नीचे की साइड आओगे तो ये आपको पूरी ब्लू प्लस सिल्वर कलर में ग्राफिक मिल जाते हैं। और इसका नाम दिया है लिमिटेड एडिशन, जो पहले वाली थी उसका स्पेशल एडिशन था, बट इसके अंदर आपको लिमिटेड एडिशन दिया है नाम। और यहाँ पर होंडा की बैजिंग तो आती थी पहले वाली में भी, और क्रोम वगैरह भी पहले वाली में आता था। और ये आपके मड गार्ड पे भी ना ग्राफिक कंटिन्यू होते चले जाते हैं, जो कि भाई काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। मैंने देखा ना तो काफ़ी अट्रैक्टिव से लग रही थी। और यहाँ पर आपको मिलता है रिफ्लेक्टर। और गाइस एक्टिवा 5G से एक चीज़ बढ़िया करी है इसके अंदर, जो कि दिया है इसके अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। पहले एक्टिवा 5G के अंदर हाइड्रोलिक आता था, बट इसके अंदर टेलीस्कोपिक दिया है। और गाइज अगर इसके टायर साइज़ की बात करें तो वो मिलता है आपको 90x90x12 इंचेस का मिलता है, और MRF का टायर मिलता है। बट एक चीज़ पसंद नहीं आई इसके अंदर, ना अभी भी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम ही आ रहा है, जो कि एक्टिवा 125 ग्राजिया वगैरह के अंदर अलॉय व्हील प्लस डिस्क ब्रेक का वेरिएंट आता है ना, बट इसके अंदर अभी लॉन्च नहीं करा। इसके अंदर ड्रम टायर ही आते हैं आपके और कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम ही आता है इसके अंदर। तो चलो एक बार साइड से लुक दिखाता हूँ मैं आपको इसकी। तो गाइज़ ये कुछ इसकी साइड से लुक है, साइड से मतलब ज़्यादा चेंज नहीं है इसके अंदर, पहले वाली की तरह ही है। बस यहाँ पर आपको इसके अंदर ग्राफिक दे दिए ब्लू, और जो मतलब आगे वाले कलर में थे ना, जो मतलब आगे फ्रंट में कलर में दे रखे थे ग्राफिक्स, वो यहाँ पर कंटिन्यू होते चले जाते हैं। और ये एक्टिवा हीट का BS6 इंजन मिलता है इसके अंदर आपको, 110 CC का इंजन जो कि 7 BHP प्रोड्यूस करता है 6,500 RPM के ऊपर। और गाइज इसके अंदर भी आपको इनहेंस स्मार्ट पावर का इंजन मिल जाता है। और ये एक चीज़ ये बेकार लग रही है, जो कि मतलब सिल्वर कलर में दे रखा है, अगर इसको ब्लैक में देते ना, जैसे वो आपकी स्पेशल एडिशन के अंदर दिया था ब्लैक में, मतलब टायर वगैरह भी ब्लैक कर रखे थे, वो काफ़ी अच्छा सा लगता। और जो रियर टायर है वो मिलता है आपको इसके अंदर 10 इंचेस का ही रियर टायर मिलता है MRF का, और कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम ही है। तो गाइज एक बार मैं आपको रियर से लुक दिखा देता हूँ। तो गाइज ये कुछ इसकी रियर से लुक आती है, रियर में इसमें कोई भी ग्राफिक वगैरह नहीं दिए, देख सकते हो आप। ये जैसा मतलब नॉर्मल पहले हैलोजन वाला टेल लैंप आता था वैसे ही आता है। और गाइज ये ग्रैब हैंडल भी सिल्वर कलर में ही आता था वैसे ही है। और एक बार मैं आपको इसका ना मीटर दिखा देता हूँ। तो गाइज ये इसका स्पीडोमीटर, जो कि मतलब 110 तक आपको मार्किंग मिल जाती है, और फ्यूल टैंक जो नॉर्मल सी एक्टिवा 6G के अंदर आता है, और इंडिकेटर भी मिल जाते हैं, मतलब वही है। और ये नई टेक्नोलॉजी डाली थी, मतलब सेल्फ हटा दिया इसके अंदर से। और ये जो BS6 है ना, इसके अंदर खाली ये पावर दबाओगे ऑन हो जाती है स्कूटी। और इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर दी थी, वो कर रहा था पासिंग के लिए, जैसे पहले वाली में हाई बीम लो बीम आता था, बट इसके अंदर पासिंग के लिए भी ऐड कर दिया है। और इंडिकेटर तो आते ही थे हेलो, और ये हॉर्न भी आता था। और एक चीज़ और थी जो कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है स्कूटी को, मतलब इससे ना काफ़ी अच्छी सी लुक आती है। पहले ये सिंपल से हुआ करता था एक्टिवा 5G के अंदर, बट ये जो लगाया है ना इससे काफ़ी अच्छी लुक आती है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है इसके अंदर लगेज हुक, और यहाँ पर भी एक लगेज हुक मिलता है, जो कि 5G के अंदर सही था, वो मतलब ओपन क्लोज हो जाता था, बट ये फिक्स है। और इसके अंदर यहाँ पर कोई भी स्टोरेज वगैरह नहीं मिलती, और सीट के लिए वही फंक्शन है आपके, ऑन फ्यूल पे करके तो आपकी नीचे वाला दबाओगे तो सीट ओपन हो जाएगी। मैं दिखा देता हूँ एक बार सीट ओपन करी। तो गाइज़ ये कुछ इसके अंदर बूट स्पेस मिलता है, और ये एक हेलमेट ही आ सकता है इसके अंदर। एक चीज़ बढ़िया कर दी इसके अंदर, जो कि मतलब फ्यूल टैंक इसका बाहर कर दिया। देखो यहाँ से आप फ्यूल के लिए दबाओगे ना तो ये फ्यूल टैंक ओपन हो जाएगा इसका, ये देखो यहाँ से फ्यूल टैंक ओपन हो जाता है, जो कि बाहर कर दिया। अब आपको बैठे रहने होता है, मतलब स्कूटी से उतरना नहीं होता। और गाइज़ एक बार मैं इसकी आपको राइट साइड की लुक दिखा देता हूँ। तो गाइज़ ये आती है इसकी कुछ राइट साइड से लुक, जो कि मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव सी लग रही है। एक बार दूर से देखो आप स्कूटी की लुक, तो ये देखो भाई दूर से काफ़ी अट्रैक्टिव सी लग रही है। इसका ऑन रोड प्राइस है, ये पड़ती है आपको 85,000, क्योंकि इसमें ग्राफिक वगैरह दे दी, पहले वाली जो आती थी वो 82,000 की थी। और एक बार आप यहाँ पर देख लो, फैन कूल्ड 4-स्ट्रोक ऐसा ही इंजन मिलता है इसके अंदर, 110 CC का, 5.73 किलो वेट, 8,000 RPM, जो कि टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं 8.79 न्यूटन मीटर का। और बाकी ऑटोमेटिक है, कील किक सेल्फ दोनों आते हैं। तो गाइस ये थी मेरी वीडियो, अगर पसंद है लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।